हिंदू संस्कृति में नित्य प्रति त्यौहार मनाए जाते हैं। समय समय पर मनाए जाने वाले हर त्यौहार का अपना एक अलग उल्लास व उत्साह होता है। ब्रज मंडल में श्रावण मास का अनोखा महत्व है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता है, किंतु हरियाली तीज का विशेष व महत्व है। श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के दिन फूल बंगलों की श्रृंखला का समापन होने के तीसरे दिन श्रावण शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, जिसमें मेरे प्यारे बांके बिहारी लाला स्वर्ण रजत हिंडोलों में झूलते हुए भक्त जनों को अद्भुत आनंद की प्राप्ति कराते हैं। राधे राधे, हरि बोल, हरि हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। हरियाली तीज सुनते ही मन में इतना हर्ष उल्लास आ जाता है। इस दिन मेरे प्यारे लाला लाली को स्नान श्रृंगार और सबसे बड़ी सेवा झूला झुलाने की सेवा जरूर की जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरीके से आपको हरियाली तीज पे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल की सेवा करनी है। इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं, मैंने एक पात्र में मेरे प्यारे लड्डू गोपाल को पुष्प का आसन देकर के विराजमान कर लिया है और साथ में उनके प्रिय मित्र भोलेनाथ बाबा भी विराजमान हैं। श्रावण मास जो है वो अति प्रिय है मेरे लाला लाली और महाकाल बाबा को ही पूरा महीना समर्पित है। तो कोई भी जो तीज त्यौहार एकादशी आए, कोशिश करिए रोज ना सही लेकिन उस दिन जरूर हरि को हर के साथ में ही स्नान इस तरीके से जरूर करवाएं। हम ब्रजवासियों के लिए हरियाली तीज का बहुत महत्व है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। बहुत सारे लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगी कि लड्डू गोपाल की आपको सेवा कैसे करनी है। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को मैं चंदन से स्नान करा रही हूँ। आप चाहे तो गोपी चंदन से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, जो जैसा आप चाहे आप वैसा स्नान करा सकते हो लाला को। बस मन में बहुत हर्ष उल्लास और प्रेम रखिएगा। बाबा को भी मैं इस तरीके से स्नान करा दूंगी। सभी लोगों का सुंदर सा स्नान करा देते हैं, फिर उसके बाद में करेंगे अपने लड्डू गोपाल का सुंदर सा श्रृंगार। स्नान हो जाने के बाद में अच्छे से अंग पोषण कर देंगे, अच्छे से लाला को पोछिए, उसके बाद में करेंगे लड्डू गोपाल का श्रृंगार। हरियाली तीज मतलब उस दिन आपको जो पोशाक लाला को धारण करानी है वो करानी है हरे कलर की पोशाक। ग्रीन कलर की पोशाक से करेंगे सुंदर सा लड्डू गोपाल का श्रृंगार। कुछ इस प्रकार से मैं मेरे माधव को ग्रीन कलर की हरे कलर की पोशाक पहना दूंगी। हरियाली तीज है, पूरा जो आपको सजावट भी करनी है बिल्कुल हरी और हरियाली की तरीके की करनी है, और लाला को तो हरे कलर की ही पोशाक उस दिन आपको धारण करानी ही करानी है। सुंदर सा जल्दी से अच्छा सा श्रृंगार कर दूंगी और देखिए मेरा प्यारा माधव कितना खुश हो रहे हैं। श्रृंगार कर देने के बाद में आपको क्या करना है, लड्डू गोपाल का जहाँ पे लाला को आप विराजमान करोगे वो स्थान, वो सिंहासन आपको सुंदर सा सजा लेना है। मैं जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपके साथ में शेयर किया था लड्डू गोपाल का गार्डन, चलिए पहले माधव को जल्दी से श्रृंगार कर देते हैं, उसके बाद में मैं दिखाती हूँ आपको मेरे लड्डू गोपाल का गार्डन किस तरीके से आपको तैयार करना है। इस प्रकार से सुंदर सा माधव का जल्दी से श्रृंगार कर देने के बाद में अब आपको लड्डू गोपाल का एक सिंहासन, एक ऐसा आसन बनाना है जिसके इर्द गिर्द पूरा आप हरियाली बना दीजिए। आप चाहे तो इस तरीके से जैसे मैंने अपना गार्डन लाला का तैयार किया है आप वो भी तैयार कर सकते हो। खेल खिलौने और इस तरीके से ढोल मृदंग बजाते हुए आप उनके खेल खिलौने रख सकते हो, और नहीं तो आप एक चौकी पे आसन बिछा के उनके पास में पेड़ पौधे हल्के जो भी आपको सजावट के पौधे आपके घर में हो आप उसको लगा के बीच में उनका झूला अवश्य रख दें।
झूला लाला उस दिन झूला झूलेंगे और श्री हरिदास गुरुजी उनको झूला झुलाएंगे। तो झूला उस दिन ज़रूर आपको लाला को झुलाना है। आपको इस प्रकार से सिंपल सा लड्डू गोपाल की स्नान श्रृंगार और ये सुंदर सा इस तरीके से आपको उनका आसन उनका सिंहासन सजा लेना है। भोग में उस दिन आपको पकवान बनाने हैं, आप जो भी पकवान बना सको, पूड़ियाँ खीर सब्जी और जो भी आप बना सके, प्रेम भाव से आपको वो लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। बहुत सारे घरों में उस दिन उपवास भी रखा जाता है और श्रृंगार की सामग्री भी गौरी मैया को और मेरी प्यारी लाडो को अर्पण की जाती है। तो जिस प्रकार से आपके घर में पूजन होती हो आप करें। लड्डू गोपाल की पूजन में आपको सुबह उनको स्नान श्रृंगार करवाना है और आपको इस तरीके से आसन सिंहासन पे झूला बीच में ज़रूर रखिए, झूला पे उनको विराजमान करके झूला अवश्य झुलाइएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हरियाली तीज पे गोपाल की पूजन अर्चन करनी है। घर में बहुत आप गीत संगीत नृत्य का भी आयोजन कर सकते हो और उस दिन सभी लोग घर के जितने भी लोग हैं एक साथ पूजन करें, एक साथ आरती करें लाला की और झूला घर के सभी सदस्य लड्डू गोपाल को लाडली जी को मेरी ज़रूर झुलाएं। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, हरी हरी बोल, राधे राधे जी, हरी बोल।